हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति परिचय का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 और इसका बेसिक पार्ट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बड़ा मज़ा आने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, ये हमें दो कंडीशन अर्थात 1+sin थीटा, 1-sin थीटा, 1+cos थीटा, 1-cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है और कोट स्क्वेयर थीटा का मान निकालना है। इन दो चीज़ की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने आपको समझाया था पीछे वाले लेक्चर के अंदर, डिटेल से बताया था कि सबसे पहले यदि आपसे चाहे दो का मान पूछे चाहे फिर एक का मान पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास करण, लंब, आधार तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं भी ठीक वैसा ही करता हूँ। मान लेता मेरे पास भी, मैं एक ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं P, Q और R, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो दोस्तों कोट थीटा बराबर क्या होता है, यदि आपको कोट थीटा, देखो मैंने आपको कल वाले बेसिक वाले पार्ट में बताया था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो दोस्त पहले वाले लेक्चर को देख लेना, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरी डिटेल से बताया था, ठीक है। तो देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो यदि देखो मेरे, मान लो कि अभी मुझे भी याद नहीं है, तो कोट थीटा बराबर आप ये याद रखो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो उसे क्या करते हैं, आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, हम जानते भी हैं। तो देखो आधार कितना है, 7, यहाँ से हम लिख सकते हैं आधार 7 है, और लंब कितना है, 8 है। यदि मेरे पास इस PQ अर्थात इस करण की वैल्यू मिल जाए तो मैं इन दोनों का मान बता सकता हूँ ना। तो ठीक वैसा ही करते हैं, हम करण की वैल्यू निकालते हैं, और वो हम निकालना सीख चुके हैं। वो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से। वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, करण स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर प्लस लंब का स्क्वेयर, ठीक है। करण कितना है, मुझे नहीं पता है, करण निकालना है तो ऐसे का ऐसा रख दो। आधार कितना है, 7 है, 7 का स्क्वेयर कर दो। प्लस लंब कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वेयर कर दो। करण का स्क्वेयर कितना होता है, सॉरी करण स्क्वेयर निकालना है, 7 का स्क्वेयर 49 प्लस 8 का स्क्वेयर 64। 49 और 64 कितना होता है, 113। तो करण स्क्वेयर बराबर कितना आ गया, 113। यदि मैं स्क्वेयर को हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाएगा, एंड रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास करण की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, एंड रूट 113। तो देखिए आपको एंड रूट को देखकर घबराना नहीं है, 113। अब देखो मेरे पास लंब की वैल्यू आ गई है, आधार की भी आ गई है, करण की आ गई है। अब मैं इनका मान आसानी से निकाल सकता हूँ। तो क्या निकालना है हमको, देखो हमें ये निकालना है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या निकालना है, 1+sin थीटा इंटू 1-sin थीटा अपॉन में क्या है, 1+cos थीटा 1-cos थीटा। ये चीज़ अपन को लेके आनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले हमें पता है कि साइन थीटा भी चाहिएगा, कोस थीटा भी चाहिएगा, तो अलग से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के रखते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं पीछे वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पे मेरे पास, 8 है। दोस्तों यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो, तो आप एक बार कमेंट कर देना, और आपको 100% पहले वाला लेक्चर देख के समझ में आ जाएगा। तो देखो लंब कितना है, 8 है, और करण कितना है, अंडरूट 113, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा भी जरूरत पड़ेगी हमें, कोस थीटा भी निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा
देखो आपको ऐसे याद नहीं रहता तो डायरेक्ट याद रखो, लाल बटे कक्का। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए बताया था। देखो ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, और ये टेन का, तो हमें कोस का चाहिए। तो कोस क्या होता है, धार बटे करण। आधार कितना है, 7, और करण कितना है, √113। अब देखो मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, अब तो देखो मैं इसके अंदर रख सकता हूँ ना। तो चलो उससे पहले देखो कि आपको पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक ऐसा ही है हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना, अर्थात ए की स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूँ ना। ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वेयर है सॉरी। ठीक है, तो आप देखो कि वन, देखो ये आ गया, ये हमारे पास इससे प्राप्त हो गया। आप देखो मेरे पास साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू रख दो, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 8/√13। उसका स्क्वेयर भी करना है क्योंकि इसके ऊपर पूरे का क्या है, स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर भी लिख दियो। इसके बाद क्या है, 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 7/√13, 113। इसका भी क्या है, स्क्वेयर है। अब इसे हल करना है हमको, चलो इसको हल करते हैं। तो देखो क्या आएगा, इसको हल करने पर देखो 1 का 1, 8 का स्क्वेयर क्या होता है, 64, और √113 का स्क्वेयर करते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या अनरूट में है तो उसका अनरूट हट जाता है स्क्वेयर करने पर। अब देखो 1 का 1, 7 का स्क्वेयर करते हैं तो 49, 49, और √113 का स्क्वेयर करेंगे तो √113। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना के लिए आपको, मैंने जब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि एलसीएम कैसे लेते हैं, उसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन आप जानते भी होंगे यदि यहाँ पे हमारे पास एक हो और इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं हो तो आप डायरेक्ट इसको गुणा करके लिख सकते हो, अर्थात 113 एकम 113 माइनस के 64, नीचे क्या देगा, 113। इसी प्रकार सॉरी ये स्क्वेयर अंडरूट हट जाएगा, स्क्वेयर करेंगे तो 113 एकम 113 माइनस का 49, और नीचे क्या जाएगा, 113। अब देखो 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 गया, कितना बचता है दोस्त, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचता है दोस्त, 9, और यहाँ पे 4, देखो 49 बच गया, कितना गया, 49 बच गया। इसी प्रकार यदि 113 में से 49 घटाते हैं तो क्या बचता है, 64। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 49/64। तो इस प्रकार दोस्त इसको हल करना था। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, कोट स्क्वेयर थीटा क्या है, कोट स्क्वेयर थीटा क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है कोट स्क्वेयर थीटा। अब देखो ये ज्ञात करना है, तो कोट स्क्वेयर थीटा को तो मैं कोट थीटा का भी होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोट की वैल्यू तो यहाँ से निकाल के लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये टेन का होता है लम बटे आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लम। तो कोट थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे लम। ठीक है दोस्तों, तो आधार कितना मेरे पास, 7 है, और लम कितना है, 8 है। तो कोट थीटा बराबर हमारे पास 7/8 निकल के आता है। तो कोट थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ, तो देखो कोट थीटा बराबर 7/8, और इसका क्या है, होल स्क्वेयर। सब 7 का स्क्वेयर करते हैं तो 49, और 8 का स्क्वेयर करते हैं तो 64, और यही इसका क्या है, आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्त, आसानी से हो जाएगा। बस आपको जिज्ञासा और करने की इच्छा हो तो सब कुछ हम कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
देखिए बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, 3 cot a = 4 हो तो जांच करें 1 - tan² a 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a। क्या करना है, जांच करने का मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो हम लिख देंगे कि ये सही है, अन्यथा हम लिख देंगे ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको भी लगने लग गया होगा कि ये तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी होती है। यदि दोस्त आप बिल्कुल आप इंटरेस्ट के साथ किस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। यदि आप बोरिंग होकर उसको दबाव मानकर हल करेंगे तो वो कभी आप नहीं समझ पाएंगे लाइफ में, और वो आपका दबाव बनकर रह जाएगा। तो चलिए 3 cot a = 4 है तो हमें पता है इसको किस प्रकार हल करते हैं। हमें कोट ए को अकेला रखना है, कोट ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है और 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट ए बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ गया। और अब हम यह भी जानते हैं कि कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर आधार बटा लंब होता है, कोट बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आपको पता है हमें डायग्राम की भी आवश्यकता होगी, तो चलिए डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम की भी आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें आधार कितना है, ये आधार है कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, लंब 3 है। तो अब देखिए दोस्तों, यदि मुझे करंट का पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलिए करंट का पता करते हैं। वही सेम आपको लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखनी भी है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है पूरी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है पाइथागोरस से प्रमेय से क्या होती है, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, करण कितना है, करण हमें निकालना है तो करण स्क्वायर ऐसे कैसे लिख रख देते हैं। ठीक है, आधार कितना है 4 इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, करण स्क्वायर का करण स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हम जानते हैं, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 × 9 कितना होता है 25, और यहाँ पे आ गया करंट स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, एंड रूट लग जाएगा। तो 25 का एंड रूट हम जानते हैं कितना होता है 5, तो यहाँ से मेरे पास करंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है दोस्तों, 5 आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम ये बार बार ये प्रोसेस कर रहे हैं, करंट स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा के का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि हमें तो ये निकालना है, तो इसमें पहले ये देखो कि इसमें हम जब प्रवेश करेंगे तो हमें किस किस से मुकाबला करना पड़ेगा, किस किस से हमारा सामना होगा। तो मुझे जैसे इसके ऊपर नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक तो टेन ए की तो कतई आवश्यकता होगी, और एक कोस ए भी चाहिए और एक साइन ए भी चाहिएगा। यदि मेरे पास ये 3 वैल्यू हो तो मैं इसको आसानी से हल कर सकता हूँ। तो बस इंतजार किस बात का, टेन ए लेके आना है और कोस ए और साइन ए। तो चलिए सबसे पहले क्या लेके आते हैं, टेन ए, टेन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है दोस्तों 3, आधार कितना है 4। तो चलिए एक वैल्यू तो आ जाती है हमारे पास, ठीक उसी प्रकार कोस ए की भी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस ए बराबर हम जानते हैं आधार बटे करण होता है। ठीक है, अर्थात आधार कितना है 4, करण कितना है 5। इस प्रकार अब देखिए, हम साइन की भी वैल्यू निकालनी है, हमें साइन की भी चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे करण, लंब कितना है 3, करण कितना है 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मेरे पास टेन ए, कोस ए, साइन ए, अब हम इससे आसानी से मुकाबला करके जीत सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, चलिए अब इससे हम मुकाबला करते हैं, क्या है, अब लिख लेता हूँ पहले मैं एक साइड, 1 - tan² a 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो जो वैल्यू हो इसके अंदर रख देता हूँ मैं। ठीक है, 1 - tan की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 3/4, अर्थात 3/4 का स्क्वायर,
अपॉन में वन प्लस टेन की वैल्यू क्या आती, तीन बटा चार, इसका स्क्वायर कर दो। बराबर में कोस कितना था मेरे पास, कोस था चार बटे पाँच, इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस रख दो। फिर साइन है, साइन की वैल्यू देखो कितनी आई, तीन बटे पाँच है तो तीन बटे पाँच लिख दी। इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। क्या कुछ अलग है, ये तो सेम पहली दूसरी वाला काम है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है यदि आप समझ के करेंगे तो। देखिए अब इसका स्क्वायर करके खोलते हैं, वन माइनस तीन का स्क्वायर करते हैं तो नाइन, चार का स्क्वायर करते हैं तो सोलह, अपॉन वन प्लस तीन का स्क्वायर किया नाइन, चार का किया सोलह, बराबर चार का स्क्वायर किया सोलह, पाँच का स्क्वायर किया पच्चीस, माइनस तीन का स्क्वायर किया नाइन, पाँच का स्क्वायर किया पच्चीस, ठीक है दोस्तों। अब इसे हल करते हैं। आपको पता है मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, जब इसके नीचे कुछ नहीं हो और यहाँ पे संख्या एक हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। सोलह एकम सोलह, सोलह में से नाइन गया, नीचे क्या बचा सोलह, सोलह एकम सोलह प्लस नाइन, नीचे सोलह, सोलह से सोलह कैंसिल। यहाँ पे देखो एलसीएम सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पच्चीस का पच्चीस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोलह में से नौ घटा दो, सोलह में से नौ गया, कितना बचता है फ्रेंड्स, सोलह में से नौ गया, सात बचता है दोस्त, सात बटे पच्चीस, ठीक है। ये बराबर वाला पार्ट हल कर रहा हूँ, सॉरी मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए सात बटे पच्चीस, तो यहाँ से देखिए ये सोलह कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सोलह माइनस नौ, सोलह प्लस नौ, सोलह में से नौ गया सात, बटे सोलह प्लस नौ कितना होता है पच्चीस, और बराबर में क्या, सोलह में से नौ गई सात, सोलह और नीचे क्या है पच्चीस। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रही है? तो दोस्तों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आई है, अंततः हम कह सकते हैं कि ये हमारा कथन है वो क्वेश्चन वाले का बिल्कुल सही है। तो क्या दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में अलग दिखाई दिया? तो दोस्तों बड़े मज़ेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप इसी प्रकार समझना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, बिल्कुल इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस आपका थोड़ा माइंड लगाना है इसके अंदर, करना कुछ भी नहीं है। देखिए त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना देते हैं जिसके अंदर बी समकोण दिखाना है, अर्थात ऐसा त्रिभुज दिखाओ जिसके अंदर बी वाला कोण क्या हो 90 डिग्री का, इसी ऐसे ही त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी क्या यह वाला कोण समकोण नहीं है? तो है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है। तो टेन बराबर क्या जानते हैं हम, टेन बराबर तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है एक है, आधार कितना है √3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए करण की वैल्यू पता करते हैं और फिर सेम प्रोसेस आपको पता है, इनकी वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल इजी से। पहले हम इनसे निपटने के लिए पहले करण की वैल्यू निकालेंगे, फिर इनसे हम साइन सी कोस सी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे, फिर हम दुश्मनों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम से करण स्क्वायर बराबर, देखिए करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मुझे करण चाहिए तो करण का एसी का एसी लिख दिया, आधार कितना है मेरे पास √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है एक है तो एक का स्क्वायर कर दिया, ठीक। करण स्क्वायर √3 का स्क्वायर करते हैं तो पता है √ हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, कितना हो गया 3 और 1 4। तो देखो के स्क्वायर बराबर 4 है, तो जब स्क्वायर को उठाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे √ लग जाएगा, और √4 का √ हम जानते हैं कितना होता है 2 होता है। तो इस प्रकार के की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाती है 2। अब देखिए पहला काम क्या कर लिया हमने, करण की वैल्यू पता कर ली। अब मेरे पास लंब की भी वैल्यू है, आधार की भी वैल्यू है, करण की भी वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वह चीज़ लिखता हूँ जो ज्ञात करनी है, मुझे क्या ज्ञात करनी है साइन ए। देखिए मुझे देखिए साइन ए की जरूरत पड़ेगी, कोस सी की जरूरत पड़ेगी, कोस ए की जरूरत पड़ेगी और साइन सी की जरूरत पड़ेगी।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एंगल से साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ। साइन ए, देखिए कोण कौन सा है, ए, तो इस बार थीटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण, अर्थात थीटा कौन सा है, ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, किसके लिए है, कोण ए के लिए, जहाँ ए ए कोण मिले वहाँ ए यही चलेगा, ठीक है। साइन ए के बराबर क्या होता है, लंब बटा करंट, तो साइन की लंब कितना है, अंडररूट 3, करंट कितना है 2, ठीक है। इसी प्रकार देखो जो ए ए वाले हैं वो निकाल लेते हैं, कोस ए भी निकाल लेते हैं, कोस ए, कोस ए बराबर कितना है, तो देखिए कोस ए निकालते हैं, तो कोस ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा करण, आधार कितना है अंडर रूट 3, सॉरी आधार कितना है 1 है, आधार हमारे पास क्या है 1, और ये करण कितना है हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा करण, जो बच गया वो आधार, हम जानते हैं, हमने सीखा था पहले वाली वीडियो के अंदर। अब देखिए साइन ए कोस ए आ गया, अब देखिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, साइन सी कोस सी की। अब हम क्या करते हैं, थीटा किसे मानते हैं, सी को मानते हैं। आ इस बार मेरे पास थीटा कौन सा है, साइन सी निकालने के लिए, देखो ए ए वाले टर्म मैंने निकाल ली, अब सी ए के लिए टर्म निकालते हैं, तो थीटा कौन सा बन जाएगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अब सेम वही रहेगा, ठीक है, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, करण, ठीक है दोस्तों, ये बन गया। अब हम देखिए इसे, ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से सी के लिए निकाल रहा हूँ मैं, देखिए दोस्तों एक ही डायग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसे बार बार समझ लिया है, आई होप कि आप इसे समझ लोगे, ठीक है। तो अब हमें सी की जरूरत है, तो कोस सी निकालता हूँ पहले मैं, कोस सी बराबर हम जानते हैं आधार बटा करण होता है, तो आधार कितना है इस बार मेरे पास अंडर रूट 3, और करण कितना है मेरे पास 2। इसी प्रकार मुझे साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ जरूरत पड़ेगी साइन सी की भी, तो साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी, साइन सी कितना है मेरे पास, साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे करण, तो लंब कितना है मेरे पास दोस्तों, लंब है मेरे पास 1, और करण कितना है मेरे पास 2। तो इस प्रकार मेरे पास इन चारों की वैल्यू निकल के आ जाती है, अब जो मुझसे पूछेगा उन सब की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए लिख लेता हूँ जो ज्ञात करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं, देखिए क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। तो देखो साइन ए कहाँ दिख, साइन ए आपको यहाँ दिख रहा है, साइन ए की वैल्यू क्या है, एंड साइन ए की वैल्यू एंड रूट 3 बाई तो देखिए दोस्तों साइन ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास एंड रूट 3 बाई 2 इंटू, देखो कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, इंटू कोस सी की वैल्यू क्या आपके पास, कोस सी की वैल्यू क्या है एंड रूट 3 बाई 2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 बाई 2, साइन सी की वैल्यू क्या आपके पास 1 बाई 2। अब देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ से आपके पास एलसीएम कितना आ जाता है 4, 3 और 1 4, 4 को 4 से कैंसिल किया, आंसर कितना आया 1। इस प्रकार आपको इसका मान ज्ञात करना था दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको डरना नहीं है, यदि आपके पास इस प्रकार की वैल्यू आगे पीछे भी आ जाए ना, तो भी आपका मान है ना वो सेम सही आएगा, ठीक है। अब ठीक, अब हमें सेकंड वाला भी ज्ञात करना है, सेकंड वाला क्या है दोस्तों, कोस ए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो दोस्तों देखिए कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस ए की वैल्यू है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास एंड रूट 3/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है एंड रूट 3/2, और साइन सी की वैल्यू 1/2। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला भी सेम और ये वाला भी सेम है, यदि किसी भी संख्या को सेम से सेम घटाए तो आंसर क्या बचता है, देखिए मैं इसको हल करके भी बता देता हूँ आपको,
अंडर रूट को 3 को 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अंडर रूट 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, क्या है दोस्तों, अंडर रूट 3 में 3 गया 0 और नीचे क्या आया 4, नीचे क्या आया 4, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो हमारे पास क्या आता है 0, इसका आंसर क्या जाएगा 0। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था, ठीक है। चल यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरा समझाया हुआ आपको कित कहाँ तक आप पहुँच रहा है, और आप ये भी बता देना कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों अब चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का अर्थात प्रश्नावली 8.1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 11वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अभी हल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, आपको देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन आपको उसको देख के डरना नहीं है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो देखिए दोस्त आपको करना क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। यदि आप दुश्मनों के डायरेक्ट बीच में जाते हो तो आप मारे जाओगे, यदि आप पहले स्टेप से उनको मारते जाते हो तो आप निश्चित ही आपकी जीत होगी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण समकोण है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज PQR ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसके अंदर क्यू को समकोण दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए PQR, देखिए हमारा क्यू वाला कोण समकोण नहीं है क्या, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दिया है PQ कितना है 5 सेमी, PQ 5 सेमी है, लेकिन हमें इस बार ओनली 1 भुजा की मान दिया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर हमें 2 का तो मान दिया हुआ था, जिससे हम तीसरी वाली भुजा का मान पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा सकते थे, लेकिन इस बार हमें ओनली 1 का दिया है और क्या दिया हमें PQ+QR, क्या है PQ+QR बराबर 25 है, अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों का क्या दे दिया, वो योग दे दिया। हमें यह नहीं पता कि ये कितनी है ये कितनी पता। अब हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना है मेरे पास PR का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरे पास, आधार है मेरे पास QR का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, इसका भी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए PR स्क्वायर QR स्क्वायर है, इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर में क्या है 5 का होल स्क्वायर, PR स्क्वायर में से QR स्क्वायर कट। अब देखिए दोस्तों कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, लिख सकता हूँ। कैसे पता चला, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी आर, ठीक है, और क्यू आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे फॉर्म है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख दूँ, पी आर प्लस क्यू आर, एक बार तो प्लस में लिख दूँ और एक बार क्या लिख देता हूँ पी आर माइनस क्यू आर लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और बराबर में क्या है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये क्यों लिखा अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ रखी थी, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको लिखना है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर हम सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है 25 है, इसकी जगह मैं क्या रख दूँ 25 इंटू में क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि बराबर में अगर सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाती है। यहाँ से क्या बचता है मेरे पास पी आर माइनस क्यू आर बचता है, तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसी इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर
आपके पास तीन इक्वेशन आ जाती है, इनमें से आपको फर्स्ट और थर्ड को लेके क्या करना है, आपको समीकरण एक व तीन से, समीकरण नंबर एक व तीन से, समीकरण एक क्या लिख लो, पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और दूसरी थर्ड इक्वेशन क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 25, सॉरी वन है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वन ही है सेकेंड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन में अब समीकरण एक व तीन को क्या करते हैं, जोड़ देती हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू आर को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए टू सॉरी यहाँ पे क्या है पी आर है, सॉरी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पी क्यू नहीं है, पी आर है, ठीक है, मिस्टेक हो गई छोटी सी, देखिए तो यहाँ पे भी क्या आएगा पी आर है, तो पी आर और पी आर क्या हो जाएगा टू पी आर, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 25 और क्या हो जाएगा 26, या इस प्रकार मेरे पास टू पी आर बराबर 26 आ जाता है, तो यहाँ से टू मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 26 में दो का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 13, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, वो पी आर की वैल्यू, मैं देखो वो डायग्राम ये रहा आपके पास, पी आर की वैल्यू आई है, पी आर कहाँ दिखाई रहा है, पी आर कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आपको क्यू आर की भी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्यू आर की वैल्यू निकालती हैं, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालती हैं, यदि हमारे पास पी आर की वैल्यू आई है वो यदि हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाती है, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे थर्ड में रख दो, हम थर्ड में रखते हैं, लिख देना पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू इक्वेशन थ्री में रखने पर, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर वन है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर वन, यह इक्वेशन है, तो पी आर की जगह क्या रखना है 13, देखो पी आर की जगह 13, फिर माइनस है तो माइनस क्यू आर बराबर में वन, अब देखिए ये माइनस का क्यू आर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, क्यू आर ये प्लस का वन इधर आएगा तो माइनस का वन, और यहाँ पे 13 है, 13 में से वन गया, ये प्लस का वन इधर आ जाए, 13 में से वन गया 12 है, और क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है 12, ठीक है, इस प्रकार आपके पास क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाती है, दो कितनी आती है आपके पास 12, अब ये डायग्राम मैं नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, देखिए यह बनाती है डायग्राम, पी क्यू आर आपके पास पी क्यू की वैल्यू आई 5 और क्यू आर की वैल्यू आई 13, सॉरी क्यू आर की वैल्यू आई आपको 12 और पी आर की वैल्यू आई आपके पास 13, अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन पी कोस पी टेन पी निकालना है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों, साइन पी कोस पी टेन पी, साइन सबसे पहले साइन पी निकालते हैं, पी निकालना है, तो देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, साइन पी निकालना है, साइन पी के लिए क्या करते हैं, तो साइन पी के लिए देखो थीटा ये है तो सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये करण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पी के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा कौन सा है, की बार इस बार थीटा पी है तो पी के सामने वाली भुजा लंब और बच गई जो आधार और सामने 90 के सामने वाली भुजा करण, ठीक है, अब साइन पी निकालते हैं, साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटे करण होता है, तो लंब की वैल्यू क्या आती है, लंब कितना आपके पास 12, करण कितना आपके पास 13, तो इस प्रकार साइन पी निकल के आ जाता है, इसी प्रकार आपको अब क्या निकालना है, कोस पी भी निकालना है, कोस पी बराबर क्या होता है आधार बटे करण, आधार कितना आपके पास 5, करण कितना आपके पास 13, ठीक है, तो 5/13 आ जाएगा, इसी प्रकार आपको टेन पी भी निकालना है, तो देखिए टेन पी बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना आपके पास 12 और आधार कितना आपके पास
5, ठीक है। इस प्रकार आपके पास इन तीनों की वैल्यू निकल के आ जाती है और यही आपको निकालना था। तो दोस्तों मेरा मानना है यदि आप क्वेश्चन को यदि आपने बीच में से पढ़ लिया और आप झिझक गए तो आप क्वेश्चन को कभी हल नहीं कर सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन को हल करना होगा। तो मैं आप मानना कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। अब हम इसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 8.1 का देखते हैं। वह क्वेश्चन हम बुक में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है क्या, आपको यह बताना है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो आपका जवाब होगा नहीं, हम बहुत से हमने त्रिभुज बनाए उसके अंदर हमारे पास टेन ए का मान एक से एक के बराबर भी आया तो हम कह देंगे कि टेन ए का मान कम एक से कम नहीं होता, अर्थात यह कथन क्या होता है, असत्य, ठीक है। इसी प्रकार कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर क्या होता है, 12/5। देखिए 12/5 कहता है, से के बराबर क्या होता है आप बता सकते हैं मुझे, देखिए से के बराबर, देखिए हम जानते हैं लाल बटा कक्का होता है तो से का ये होता है करण बटे आधार, से के बराबर होता है करण बटे आधार, करण 12 है और आधार कितना है, 5 है। तो देखिए आपको पता है कि करण बड़ा होता है और आधार छोटा होता है, अर्थात कोण ए के किसी मान के लिए यह हो सकता है, अर्थात ये क्या है, सत्य है। इसी प्रकार कोस एक कोण एक के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक सपीत क्या कहता है, कोण एक किसी एक के कोसेंट कोस एंट के लिए प्रयुक्त एक सचित्र रूप है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कोस एक कोण के लिए होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कोस ए तो कोस साइन का होता है, कोस ए किसका होता है, कोस साइन का, और कोसेंट किसका होता है, कोस एक के लिए होता है, ठीक है। तो यह भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोट ए कोट ए का गुणफल होता है, इसने पूछा है कोट ए और ए का, अर्थात जो थीटा है ना उसका क्या गुणफल हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, थीटा का आपस में कभी गुणफल नहीं होता है, हमने कभी मैंने लिखा थीटा स्क्वेयर तो इसका गुणफल नहीं होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होता है क्या, तो देखो साइन बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा करण, लंब कितना है 4 और करण कितना है 3। तो आप ये बताओ कि मेरे पास आपके देखो मान लो कि लंब, मान लो कि ये बन गया डायग्राम, लंब कितना है, ये बोल रहा है कि लंब है आपके पास 4 और कर्ण कितना है आपके पास 3। एक बात बताओ कि ये तो कितनी बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, ये वाली भुजा इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर छोटी, तो हमारी ये वाली भुजा छोटी होना चाहिए। हमेशा याद रखना जो हमारी कर्ण होता है वो लंब और आधार से बड़ी होती है या फिर लंब और आधार की योग के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, कथन ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार आपका चैप्टर 8.1 कंप्लीट होता है दोस्तों। मैंने अपना तहे दिल से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है, यदि फिर भी मेरे से कोई त्रुटि हुई तो दोस्तों मैं इसकी सुधार करने की आवश्यकता मानता हूँ। आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका जो क्वेश्चन में यदि आपको मिस्टेक लगती है वापस बता दूंगा, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो मैं उसके लिए अलग टाइप के लिए अलग तरीका लेके आऊँगा, लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है और अपनी लाइफ में समझते हुए चलना है। मेरा मानना है कि मेरे स्टूडेंट कभी क्वेश्चन का रट्टा ना मारें और समझ के क्वेश्चन को आगे करें ताकि उनको भविष्य में कभी तकलीफ न हो। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि आप आगे के सभी चैप्टर को समझना चाहते हैं और अपना कक्षा 10th का मैथ मजबूत बनाना चाहती हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल अंकित लेक्चर 2 को सब्सक्राइब कर लेवे और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेवे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट अर्थात 8.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।